ओम नमः शिवाय। रक्षाबंधन का पर्व श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है, लेकिन इस बार भद्रा के साये के कारण लोग असमंजस में हैं कि रक्षाबंधन का पर्व 30 अगस्त को मनाएं या 31 अगस्त को मनाएं। आइए जानते हैं कि रक्षाबंधन की सही तारीख क्या है, राखी बांधने का शुभ मुहूर्त क्या है, मंत्र और पूजा के नियम क्या हैं। हर साल रक्षाबंधन का त्यौहार श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है, इसलिए रक्षाबंधन को राखी पूर्णिमा भी कहा जाता है। इस दिन बहन भाइयों की समृद्धि के लिए उनकी कलाई पर रंग बिरंगी राखियां बांधती हैं। वहीं भाई बहनों को उनकी रक्षा का वचन देते हैं। कुछ क्षेत्रों में इस पर्व को राखरी भी कहते हैं। कई बार अंग्रेजी कैलेंडर के कारण सनातन पर्व की तिथियों में अक्सर उलटफेर देखने को मिलता है। ऐसे ही कुछ इस बार भाई बहन के प्रेम के पर्व रक्षाबंधन पर भी देखने को मिल रहा है। दरअसल भद्रा के साये के कारण लोग असमंजस में हैं कि रक्षाबंधन का पर्व 30 को है या 31 अगस्त को है। इस वर्ष पूर्णिमा तिथि का आरंभ 30 अगस्त 2023 को प्रातः 10:59 से होगा और इसका समापन सुबह 7:05 पर होगा। इस पूर्णिमा तिथि के साथ ही भद्रा काल का आरंभ भी हो जाएगा। शास्त्रों में भद्रा काल में श्रावणी पर्व मनाना निषेध माना गया है। इस दिन भद्रा काल का समय रात्रि 9:02 तक रहेगा, इसलिए इस समय के बाद ही राखी बांधना उपयुक्त रहेगा। पौराणिक मान्यता के अनुसार राखी बांधने के लिए दोपहर का समय शुभ होता है, लेकिन यदि दोपहर के समय भद्रा काल हो तो फिर प्रदोष काल में राखी बांधना शुभ होता है। ऐसे में 30 अगस्त के दिन भद्रा काल के कारण राखी बांधने का मुहूर्त सुबह के समय नहीं होगा, उस दिन रात में ही राखी बांधने का मुहूर्त है। 31 अगस्त को श्रावण पूर्णिमा सुबह 7:05 तक है। इस समय में भद्रा का साया नहीं है, इस वजह से 31 अगस्त को सुबह के समय आप राखी बंधवा सकते हैं। ऐसे में इस साल रक्षाबंधन का त्योहार 30 और 31 दोनों दिन मनाया जाएगा, लेकिन आपको भद्रा काल का विशेष ध्यान रखना होगा। रक्षाबंधन पर शुभ मुहूर्त 30 अगस्त को रात 9:01 के बाद से शुरू होगा और इस मुहूर्त का समापन 31 अगस्त को सूर्योदय काल में सुबह 7:05 पे होगा। रक्षाबंधन पूजा विधि। राखी बांधने से पहले बहन और भाई दोनों व्रत रखें। भाई को राखी बांधते समय बहन पूजा की थाली में राखी, रोली, दिया, कुमकुम, अक्षत और मिठाई रखें। राखी बांधने से पहले भाई के माथे पर तिलक लगाएं। बहनें अपने भाई को दाहिने हाथ से राखी बांधें। राखी बांधने के बाद भाई की आरती उतारें। अगर भाई आपसे बड़ा है तो उसके पैर छूकर आशीर्वाद लें। इसके बाद अब भाई अपनी इच्छा अनुसार बहन को उपहार देते हैं। प्लास्टिक आदि और त्वचा को नुकसान पहुंचाने वाली राखियों का प्रयोग ना करें, क्योंकि इससे पर्यावरण व्यक्ति को नुकसान के साथ साथ शुद्धता और भावना की भी कमी होती है। रक्षाबंधन एक पवित्र पर्व है, इस कारण इस पवित्रता बनाए रखने के लिए खिलौने, प्लास्टिक या अन्य नुकसान पहुंचाने वाले पदार्थों से बनी हुई राखियों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। रक्षा सूत्र के लिए रेशम के धागे, सूती धागे या कलावे का प्रयोग करना चाहिए। उसके पश्चात चांदी या सोने की राखी का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। राशि वालों को स्वामी मंगल है तो मेष राशि वालों को लाल रंग की राखी बांधनी चाहिए। वृषभ राशि वालों को नीले रंग की राखी बांधनी चाहिए। मिथुन राशि वालों को हरे रंग की राखी शुभ होती है। कर्क राशि के लिए सफेद या चांदी की राखी बहुत सुख प्रदान करने वाली और शुभ मानी जाती है। सिंह राशि के स्वामी सूर्य हैं, उनके लिए सुनहरा रंग या पीले रंग की राखी बहुत शुभ मानी जाती है। कन्या राशि वालों के स्वामी बुध हैं, तो उनके लिए हरे रंग की राखी बहुत शुभ मानी जाती है। तुला राशि के स्वामी शुक्र हैं, तो उनके लिए सफेद या चमकीले रंग की राखी शुभ है। वृश्चिक राशि वालों के लिए लाल रंग की राखी शुभ मानी जाएगी। धनु राशि के स्वामी गुरु बृहस्पति हैं, अतः पीले रंग की राखी शुभता प्रदान करेगी। मकर राशि के स्वामी शनि हैं,
तो नीले रंग की राखी फल लाभदायक होगी। कुंभ राशि के स्वामी शनि हैं, तो नीले रंग की राखी उनके लिए बहुत ही लाभदायक होगी। मीन राशि के स्वामी गुरु हैं, तो पीले रंग की राखी उनके लिए बहुत लाभदायक होगी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम नमः शिवाय।